तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो YouTube और TikTok का रिलेशनशिप है दोस्तों, वो इन दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है दोस्तों। इसके पीछे जो कारण है दोस्तों, वो आज इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। और दोस्तों, तो थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि जो TikTok की रेटिंग 1.2 से लेकर अब फिर से दोबारा 4.4 हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों दोबारा TikTok की रेटिंग है वो 4.4 हो चुकी है, और इन दोनों की लड़ाई में कौन विजेता हुआ है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की लड़ाई में। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेके पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलने वाली है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। टिकटॉक की रेटिंग दोबारा बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि आपका बार बार जाकर टिकटॉक पर रेटिंग देना और गलत गलत कमेंट करना। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा किया कि जिनके फ़ोन में टिकटॉक डाउनलोड नहीं था दोस्तों, उन्होंने बिना डाउनलोड किए भी उनको रेटिंग दे दी। तो दोस्तों, ऐसे में गूगल को थोड़ा सा डाउट हुआ और उन्होंने इसका एनालिसिस किया, जिसके अंदर यह पाया गया कि जो टिकटॉक की मोस्टली जो रेटिंग है 8 मिलियन दोस्तों, उसमें से टिकटॉक की 50% रेटिंग है दोस्तों, वो बिना डाउनलोड किए हुए लोगों द्वारा की गई है। तो ऐसे में दोस्तों, गूगल को पूरी तरह से डाउट हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसने टिकटॉक की रेटिंग दोबारा 4.4 कर दी गई दोस्तों। बात करते हैं कि टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब की लड़ाई में कौन जीता। तो दोस्तों, टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब की लड़ाई में किसी की भी जीत नहीं हुई दोस्तों, जिसकी हार हुई है वो है हम लोग, क्योंकि दोस्तों हम लोग ने अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर दोस्तों उस पर जाकर रेटिंग दी है। तो ऐसे में हमें बहुत सारा दुख हुआ है कि दोस्तों जो गूगल ने किया वो बिल्कुल सही नहीं किया है मुझे मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। जो गूगल ने जो भी किया होगा वो हम लोगों के लिए किया होगा, बिल्कुल सही किया होगा, कुछ सोच समझ के ही किया होगा दोस्तों। हम दोनों में से किसी को एक को गलत नहीं ठहरा सकते दोस्तों। अभी आने वाले टाइम का वक्त का इंतजार करते हैं, आने वाले टाइम में हमको पता लग जाएगा दोस्तों इसमें किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। तब तक के लिए अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे के निशान को दबा ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और हम इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।